हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी बात बतानी है। मैं चाहूँ तो किसी और वीडियो में भी मैं इसको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको देखें। हो सकता है वो वीडियो में थोड़ा स्किप हो जाए या बीच में अगर मैं बता दूँ तो किसी को ना पता चलेगा, इसलिए मैंने स्पेशल इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना सोचा है। तो बात यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह से हम सेटअप करते हैं। तो मैट्रिक्स जैसे ओपन होता है, जैसे ये अभी ओपन होने के बाद इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से थीम देखने को मिलेंगी पूरी इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो सेटिंग्स यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिंग साइज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे रिंग साइज लेने के बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करने तक ये एरो वाली लाइन चली जाएंगी, देखो इस तरह से। इसका मतलब ये यहाँ पे लॉक हो गया अभी। और फिर हमने शॉर्टकट डाल लिया है, डबल क्यू स्पेस के अंदर, डबल क्यू स्पेस में डाला है हमने मेटल वेट। तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो मेटल वेट कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे यूज़र बंद कर लेना है और इस तरह से। उसके बाद डबल ई के अंदर डाला है जेम लोडर, सॉरी जेम लोडर नहीं लेना है, दो बार डबल यू प्रेस करना है। दो बार डबल यू प्रेस करने पर यहाँ पर होगा जेम रिपोर्टर, इसको हाइड करेंगे। उसके बाद डबल ई यहाँ पे जेम लोडर, उसको हाइड करना है। फिर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे प्रोंग एडर को लेना है, इसको हाइड करेंगे। यहाँ पे प्रोंग ऑन सरफेस, इसको भी हाइड करना है। जेम में जाके यहाँ पे हमें लेना है जेम ऑन सरफेस। तो मैंने ये बताया था कुछ वीडियो के कुछ आगे के पार्ट में मैंने बताया था किस तरह से यह करना है पूरा। तो ये सेटअप आप यूज़ करोगे तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये चालू ही रखते, इसको हाइड करके रखते, और ये स्नैप जो है वो डिफ़ॉल्ट सेव नहीं होने वाला है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। तो इसको आपको बार बार करना पड़ेगा। बाकी रही बात इसकी, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है कि हर बार आप मैट्रिक्स ओपन होने के बाद आपको ये सेटअप करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल इतना जो भी हमें चाहिए वो सेटअप करने के बाद हमें जाना है व्यू के अंदर, व्यू में जाना है मैट्रिक्स मेनू में, और मैट्रिक्स मेनू में यहाँ पे आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। ये करने के बाद क्या होगा कि ये पूरा सेटिंग यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज से बंद करना है। यहाँ से भी होता है, लाइक इस तरह से मैट्रिक्स पे राइट क्लिक करके टूल्स पे किल ऑल मैट्रिक्स, ये जल्दी हो जाता है, इनसे कोई टाइम नहीं लगता है मैट्रिक्स बंद होने में। और जब आप यहाँ से बंद करते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बंद करके दिखाता हूँ एक बार मैट्रिक्स, यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे सेव या कुछ करना नहीं, फाइल ओपन है तो आप कर लो। तो इतना चीज़ करने के बाद व्यू में जाना है और वहाँ पे मेन मेनू में आपको सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू में जाके मैट्रिक्स मेनू में सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लोज करना है, मैट्रिक्स को बंद करना है। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स अभी आप देख रहे हो कि ओपन हो गया है। तो मैट्रिक्स ओपन होने के बाद आप देख रहे हो किस तरह से थीम आ रही है पूरी, जो भी हमने सेट किया था वो डिफ़ॉल्ट आया है। मैंने सेट अभी नहीं किया है, बस ये मैं तुरंत ही आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैट्रिक्स ओपन होने के बाद। आप देख रहे हो कि कुछ भी अभी यूज़ नहीं हुआ है सब कुछ। ओके, तो क्या होगा कि स्नैप को आपको इस तरह से करके ये दो तो डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं, ये दो क्लिक करके बंद करके इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। ये आपको हर बार करना पड़ेगा जब भी आप मैट्रिक्स स्टार्ट करते हो। तो बाकी रही बात इसकी, तो ये आप देख रहे हो कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये सेव हो जाता है। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो के साथ।